मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या डेस्कटॉप से यदि आपने सीएससी पंजीयन कियोस्क या कहीं ना कहीं जो है अपना सुविधा केंद्र के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, यदि नहीं किया है तो कर सकते हैं। और करने के बाद आपको जो है कहीं ना कहीं कियोस्क हेतु पंजीकरण पर आप जब क्लिक करोगे तो आप जो है यहाँ पर निर्धारण पर क्लिक कर दोगे, तो यहाँ से जो है आप कहीं ना कहीं अपना बहुत ही आसानी से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रबंधक के ऑपरेटर रजिस्टर नहीं हुए यहाँ से करें, वो जिनका रजिस्टर नहीं हुआ है अभी ऑपरेटर, उनके नाम यहाँ पर शो हो रहे हैं, वो अपना जो है ऑपरेटर जो है सेलेक्ट करके और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो है जिनका नया करना है तो नया आप जो है प्रकार चुन सकते हैं, साइबर कैफे आप कर सकते हैं, सुविधा केंद्र में आप कर सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर में, एमपी ऑनलाइन कियोस्क में, लोक सेवा केंद्र में और अन्य तरह के जो है आप यहां पर पूरी जानकारी भर के जो है सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ में जैसे ही आप जो है इस पर क्लिक करोगे लिंक पर, तो आप जो है लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ से अपना जिला सेलेक्ट करने के बाद में अपना पंजीयन कियोस्क सेलेक्ट करें, ऑपरेटर सेलेक्ट करें, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जनरेट करें और ओटीपी एंटर करके अपना पासवर्ड एंटर करें। पासवर्ड में आपका मोबाइल नंबर हो सकता है। साथ ही साथ में लॉगिन बटन पर क्लिक करें। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप पाओगे कि आप अंदर आ चुके हैं, जहां पर मास्टर ऑप्शन आपको दिखाई देगा। मास्टर ऑप्शन पर क्लिक करके न्यू पंजीयन करें आप, तो कहीं ना कहीं गेहूँ 2022-23 के लिए पंजीयन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप जो है सोया जो सिलेक्ट कर सकते हैं और भंडारण स्थल और तहसील और ग्राम, उसके बाद में जो है अपना पंजीयन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।